आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्या टेंस, देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस आप इस क्लास को अंत तक अगर देख लेते हैं तो गारंटी देता हूं आपको कि टेंस कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। टेंस से क्वेश्चन जो बनेगा आप उसको फाइंड आउट करके सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा ही वीडियो है, लेकिन अंत तक देखेंगे तो आज आपका टेंस एकदम 100% क्लियर हो जाने वाला है। तो प्रॉमिस कीजिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 100% टेंस क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए दोस्तों, देखिएगा टेंस का अर्थ क्या होता है, टेंस होता क्या है, जानना ये जरूरी है आपको कि टेंस होता क्या है। तो टेंस ग्रामर के ये रूल होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई वर्क्स, कोई कार्य कितने समय में हुआ है, कोई कार्य किस समय में हो रहा है या किस समय में हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि टेंस जो होता है वो टाइम भी होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गया कि टेंस जो होता है वो टाइम भी होता है, इसको टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या अब बस टेंस टाइम ही होता है? इतना भी तो जानना जरूरी है कि टेंस बस टाइम ही होता है। तो दोस्तों टेंस ये भी बताता है कि कोई कार्य कितना हुआ है, कितना बचा है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे राम खाता है, तो राम खाता है, उसका जो कार्य खाना है तो खाता है, तो कितना खा चुका है खाना, कितना वो खा चुका है। अब ये बात निकल के आता है यहां पे कि क्या टेंस बस टाइम ही होता है? ध्यान से सोचिएगा, क्या टेंस बस टाइम ही होता है? तो दोस्तों टेंस टाइम ही होता है, और टेंस ये भी बताता है कि कोई कार्य कितने कितना हुआ है, कितना बचा है या पूर्ण रूप से हो गया है। टेंस तो ये भी बताता है, पीना खाना उठना बैठना। ठीक है, यही तो वर्क है, कितना हुआ है, पूरा हो गया है कि कंप्लीट हो गया। तो ए आपका हो गया, इस पे दो एक फंडा बनता है, एक तो टाइम भी रिप्रेजेंट करता है, इस पे वर्क भी। तो दो बात आपको क्लियर हो गया कि टेंस टाइम भी रिप्रेजेंट होता है और वर्क भी, मतलब टेंस दो प्रकार दो रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम भी हो सकता है, टेंस वर्क दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक तो बात क्लियर। अब आइए हम इसको बांटते हैं, यहीं से आपका टेंस बनना शुरू हो जाएगा और टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो बनना शुरू हो जाएगा। रटना नहीं है आपको, एक एक पॉइंट समझिएगा और यहां से आपका बनना शुरू हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपको रटना नहीं है, बस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे आप 100% देके समझिए। अब आइए देखते हैं टाइम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं। टेंस को तो डिवाइड कर लिया कि टाइम भी होता है, वर्क में भी होता है। अब हम देखते हैं कि टाइम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बात ये बताइए कि टाइम जो टाइम होता है, आप जो काम करते हैं कितने समय कितने प्रकार के काम कर सकते हैं? एक तो वो काम करते हैं जो वर्तमान समय में कर रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, एक काम वो होता है जो बीत चुका है। ठीक है, एक काम वो होता है जैसे जो बीत चुका है, राम कल स्कूल नहीं आया था, तो राम कल स्कूल नहीं आया था, इसका मतलब राम कल स्कूल नहीं आया था, तो जो ये टाइम बताया जा रहा है, कल का बताया जा रहा है, यस्टरडे बताया जा रहा है, टाइम बीत चुका है। तो दूसरा टाइम हमको पता चल गया पास्ट, एक टाइम पता चल गया प्रेजेंट, एक पास्ट। एक टाइम और आता है दोस्तों कि हम एसएससी क्वालिफाई करेंगे, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे, तो आपका चॉइस आता है हम रेलवे या बैंकिंग में नौकरी लेके रहेंगे, तो जो ये टाइम है आपका भविष्य बता रहा है, आने वाला समय, तो हो गया फ्यूचर। इसके बाद भी टाइम होता है क्या? इसके बाद भी टाइम होता है? नहीं ना, तो पास्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीन प्रकार का टाइम आप पता हो गया, इसका मतलब टेंस तीन प्रकार के हो गए। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, समझ में आ गया। अब आइए, अब हम वर्क को भी डिवाइड करेंगे, देखिएगा कैसे, इन्हीं के भाग है ये वर्क। अब देखिएगा टेंस का परिभाषा भी क्या बताया हूं कि टेंस वे रूल है जो ये बताता है कि कोई कार्य कितने समय में, कौन से समय में हुआ है, ये बताता है कोई कार्य कौन से समय में हुआ है।
और ये भी बताता है कि कोई कार्य कितना हुआ है, कितना बचा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब कोई कार्य आप करते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। इसका मतलब जो यहां पे उसका कार्य हो रहा है वो चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, वो पढ़ रहा है, जो उसका कार्य हो है कंटिन्यू, कंटिन्यू चल रहा है, कार्य कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कंटिन्यूअस। ये बात क्लियर। अब ये कार्य क्या है, वह पढ़ रहा है, अब यहां से कार्य तो कंटिन्यू चल रहा है, इसके बाद वो क्या होगा, पढ़ चुका है। यहां पे अगर चुका है हम कर दें, ये भी तो होगा, पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, मतलब काम अभी कंटिन्यू था, वो काम कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे क्या आ गया, परफेक्ट, मतलब परफेक्ट का समझिएगा, परफेक्ट का मतलब काम में पूरे रूप से कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट मतलब काम पूरे रूप से हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है, काम कितना हुआ है ये नहीं करा, काम परफेक्ट हो चुका है, मतलब पूरे रूप से कंप्लीट हो चुका है, तो चुका है, परफेक्ट बन गया। अब आता है, हम एक काम करते हैं जो अनिश्चित होता है, ये पता नहीं होता है कि काम कितना हुआ है, काम कितना खत्म हुआ है, काम कितना बचा है, कुछ पता नहीं होता, तो अनिश्चित होता है, वो होता है इनडिफिनिट। ठीक है, तो तीन आप वर्क को भी तीन प्रकार में बांट लिए, एक तो वर्क है कंटिन्यू जो चलता चल रहा है, एक है परफेक्ट जो पूरा हो चुका है काम आपका, जो आप ये काम करते हैं कि आप काम कर रहे हैं या आपका काम कंप्लीट भी हो चुका है, जैसे राम पढ़ रहा है तो कंटिन्यू हो रहा है, पढ़ चुका है, उसका जो वर्क है पढ़ना वो क्लियर हो चुका है। और एक होता है इंडिफिनिट, ये अनिश्चित होता है, इसमें आपको पता नहीं रहता है कि, एक होता है डिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित, और इसके मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, निश्चित नहीं होता है काम। अब एक आता है और ग्रामर के रूल्स एक और बनाया गया है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस में देखिएगा काम तो चल रहा है, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है, इनडिफिनिट मतलब काम अनिश्चित है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, इसमें टाइम बताया जाता है, जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन यह भी निश्चित नहीं है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, कब से 2 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से 2 घंटे से पढ़ रहा है, शाम से 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है। और इसमें एक समय निश्चित भी किया जाता है कि राम 1 बजे से पढ़ रहा है, तो उसमें एक समय निश्चित हो जाता है, तो ये आपको पता चल गया। तो ये बात तो पता हो गया कि टाइम को कितने पार्ट में बांटते हैं, और इनका पार्ट वर्क क्या होता है, तो वर्क को जो 4 भागों में बांटते हैं यही इनका पार्ट होता है। तो आइए दोस्तों, अब देखिएगा टेंस के प्रकार कितने होते हैं, जब टेंस, तो टेंस पढ़ लिए, अब टेंस कित जैसे पास्ट प्रेजेंट टॉप फ्यूचर तो आप जान गए, अब इसके कितने प्रकार होते हैं ध्यान देखिएगा। तो टेंस टाइम के हिसाब से कितना बांटे हैं, 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तो आपके टाइम के हिसाब से आप बांट दिए, अब इनको वर्ग के हिसाब से भी बांटना है कि, और आपको पता है कि टेंस टाइम और वर्क पे डिपेंड है, तो इनको वर्क के हिसाब से बांटना है। एक बांटे थे क्या, इनडिफिनिट या सिंपल सेंटेंस, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस, इसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव टेंस, जो टेंस चल रहा है प्रोग्रेस पे है, या परफेक्ट, और ये क्या बातें हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब जो प्रेजेंट टेंस है ये 4 प्रकार के हो गए। अब बताइए पास्ट और फ्यूचर 4 4 प्रकार के होंगे कि नहीं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो कार्य जितने प्रकार के वर्क आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, उतने प्रकार के वर्क आप पास्ट में भी किए होंगे, और उतने प्रकार के वर्क आप फ्यूचर में भी करेंगे। वर्क तो बदलेगा नहीं, ये वर्क नहीं बदलेगा, एक तो निश्चित वर्क होगा, एक कंटिन्यूअस काम हो रहेगा, एक हो चुका होगा और एक समय से हो रहा होगा, जितने प्रकार का वर्क आप इसमें करेंगे उतने प्रकार तो उसमें भी करेंगे, तो इनका भी 4 पार्ट हो जाएगा।
और इनका भी चार पार्ट हो जाएगा। तो रटना नहीं पड़ा, लर्न हो गया ना कितने प्रकार हुए, तो चार ये भी, चार ये भी और चार ये भी। ये बात तो क्लियर भाई दोस्तों। हम चलते हैं टेंस के मेन पार्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कि सेंटेंस जो आएगा हम कैसे पहचानेंगे कि वो टेंस कौन सा है, पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। यही आपकी परीक्षा के इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप टेंस पहचान ले रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदी में तो आएगा नहीं, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हिंदी में आएगा नहीं तो आप करेंगे नहीं। हिंदी कॉन्सेप्ट भूल जाइए, इसमें आपको इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, ये तो आपको पता चल गया है कि क्या क्या है। अब देखिएगा, देखिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रेजेंट टेंस में दोस्तों डू और डज का यूज होता है, इज एम आर का यूज होता है, और हैज और हैव का यूज होता है। अभी बता रहा हूं कि कैसे इसको पहचाना जाता है। पास्ट में जब जाएंगे तो डू डज का डीड हो जाता है, इज एम आर की जगह वाज वर का यूज होता है, और हैज हैव की जगह हैड का यूज होता है। फ्यूचर में दोस्तों विल और शैल का यूज होता है, एक और यूज होता है विल शैल प्लस हैव। ये बात तो क्लियर। तब देखिए आपको पहचानना कैसे है, अगर सेंटेंस में डू डज आ जाए या इज एम आर आ जाए या हैज हैव आ जाए, यहां पे आपको ये पहचानना है कि अगर ये सब आ जाते हैं तो वो सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट टेंस में। किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। अगर सेंटेंस में डीड वाज वर हैड आ जाता है तो वो सेंटेंस आपका होगा किस में? पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर दोस्तों विल और शैल का यूज हो जाता है, विल और शैल आ जाता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका होगा फ्यूचर में। और देखिएगा विल शैल बस आप लर्न रखेंगे तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम कंटिन्यू बताएंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट आप पहचान लेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अब आइए देखिए एग्जांपल के तौर पे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसका हमको आप ये समझिए कि इसका हिंदी में आपको अर्थ नहीं पता, आपको हिंदी आता ही नहीं है। जब हिंदी नहीं आता है तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो जी हाँ, एकदम आप पहचान लेंगे, डज का यूज हुआ है, और डज का हेल्पिंग वर्ब किस में यूज होता है? तो आपका होता है प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब जो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। हिंदी आपको नहीं आती है, एकदम हिंदी नहीं आती है, बस इंग्लिश आता है। हाँ, तो इंग्लिश से ही पहचानिए। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, यही हिंदी हुई ना। हिंदी तो आती ही नहीं है तो क्यों हिंदी निकालेंगे, इंग्लिश से पहचानी है, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज कर दिया, तो ये आपका हो गया क्या? प्रेजेंट टेंस। ये तो बात क्लियर। अब आप कहेंगे कि हमको मेन वर्ब से भी पहचानना है, यही ना कहेंगे कि हमको एमबी मतलब मेन वर्ब से भी पहचानना है, कि कैसे हम मेन वर्ब से पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट में है कि कंटीन्यूअस में है कि परफेक्ट में है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो जी हाँ, उसे भी आप पहचानेंगे। उसको पहचानने के लिए आपको वर्ब का रूप जानना होगा, और वर्ब का रूप आपको पता है वन टू थ्री, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहां तक तो आपको बात क्लियर है। तो देखिएगा वर्ब का थर्ड तीन रूप आपको पता है, जैसे मान लीजिए गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये आपके वर्ब के रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक होता है आई एन जी फॉर्म, तो उसको भूल जाइए। अब देखिएगा जब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाए, ठीक है, वो आपका यूज होता है इंडिफिनिट टेंस। वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है वो आपका यूज होता है किसमें? तो दोस्तों इंडिफिनिट टेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें यूज होता है? तो होता है आपका
इनडिफिनिट टेंस में, ठीक है। अब देखिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने के लिए क्या, तो आईएनजी वर्ब में अगर आईएनजी हम ऐड कर देते हैं वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी दर्शाता ए है, आईएनजी ए प्रदर्शित करता है कि जो कार्य है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, कार्य चल रहा है। तो आईएनजी दर्शाता है कार्य चल रहा है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। बात क्लियर। अब बचा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया आईएनजी फॉर्म, अब बचा सेकेंड फॉर्म। तो देखिएगा जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो आप जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो वाज वर्ब किसमें यूज होता है, पास्ट में, तो पहचान लेंगे। और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो आपका होता है पास्ट वाला, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस में। आप देखिएगा जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का जब थर्ड फॉर्म यूज होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ये बताता है कि कार्य परफेक्ट रूप से पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, और कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है तो क्या होता है, परफेक्ट टेंस। तो ये आपका हो जाता है परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे वाला रूल में हम लोग अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे। तो पता चल गया कि इंडिफिनिट में क्या होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में तो वर्ब में आईएनजी, पास्ट टेंस में वर्ब में वी टू, और परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस वी थ्री। इसको अभी पास्ट वाला हटा दीजिए, बस इतना जानिए कि पास्ट वाला, आप अभी टेंस के प्रकार के पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट वाला में वी थ्री। अब देखिएगा यहाँ पे गो यूज हुआ है दोस्तों, क्या यूज हुआ है, गो यूज हुआ है। और यहाँ पे जब गो यूज हुआ है तो ये क्या है, वी वन है, वी वन है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे जब वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब ये सेंटेंस जो है किसमें है, तो प्रेजेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें यूज हुआ, इंडिफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। यहां तक बात क्लियर। तो आई होप कि आपको अच्छे से टेंस के प्रकार, टेंस पहचानना क्लियर हो गया होगा, अब कभी आप नहीं भूलेंगे अगर वीडियो को अंत तक देखे होंगे तब। नोट डाउन कीजिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे आपसे लेके इसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और पढ़ते एक एक को पढ़ते चलेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। ये था आपका बेसिक, और बेसिक जब आज आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आगे एडवांस लेवल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे अगर समझ गए होंगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, अगर इसे नहीं समझेंगे तो रटते रह जाएंगे, रट्टा मारे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्लासेज आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे प्रॉब्लम, किसी में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।